नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 3 लाख रुपए ठग लिए और जब युवक ने रकम वापस मांगी तो ठग ने उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना की शिकायत पुलिस में करने के बाद घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजा राम गुप्ता कॉलोनी में रहने वाले आर्यन को आज सुबह इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने बताया कि राजेंद्र नगर निवासी शैलेश ने पिछले साल फरवरी में उससे कहा उसकी माँ ऋतु कचहरी में काम करती है और वह उसको सरकारी नौकरी दिलवा देंगी, लेकिन इसके लिए उसे 3 लाख रुपए देने होंगे। तब आर्यन ने शैलेश को रुपए दे दिए, लेकिन लगभग 1 साल बीतने के बावजूद शैलेश ने उसकी नौकरी नहीं लगवाई। तब आर्यन सोमवार की रात अपनी रकम वापस मांगने के लिए शैलेश के पास पहुंचा तो उसने रकम देने से इनकार कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। क्या नाम दोबारा? आर्यन। कहाँ रहते हो? राजेंद्र। राजेंद्र में क्या हुआ था आपके साथ, किसने मारपीट की? मेरे साथ ये हुआ, एक किसी ने मुझसे रुपए ले लिए थे, शैलेश प्रताप ने, वो हमारी कॉलोनी में रहता है। हाँ, किस लिए पैसे लिए थे? के लिए रुपए लिए थे उसने कि मेरी मम्मी कचहरी में जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैं तेरी भी लगवा दूंगा फोर्थ क्लास में जॉब। अच्छा जी, 3 लाख रुपए उसने ले लिए। कब दिए थे पैसे? पैसे मैंने फरवरी में उन्हें दिए 2022 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो ये बोले कि 1-2 दिन में मैं जॉब लगवा दूंगा। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भैया अगर आप काम नहीं करा पा रहे हो तो आप हमारे रुपए हमें वापस कर दो। तो बोले आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, मेरे घर की जमीन बिक रही है, मेरी FD टूट रही है, मेरी MIC टूट रही है, ऐसे करके उनने बहुत ज़्यादा हमें मारा पीटा। मारने पीटने उनने पैसे लेने के बहाने बुलाया, बोले कि आज तुझे रुपये देता हूँ। हाँ, उसके रुपये देने के बाद मुझे उनने मारा, बोले कि अगर तूने आइंदा कभी मुझसे रुपए मांगे तो तेरे हाथ पैर तोड़ के तुझे फेंक दूंगा। तो पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ। क्या हुआ फिर? फिर कुछ नहीं, अब उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा है। पकड़ा गया वो? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए।